अब समाचारों के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं नंदिता कुडेशा हूँ। भारत ने G-SAT-18 सैटेलाइट को कल सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा। फ्रेंच गुआना से इसकी लॉन्चिंग की गई। लॉन्चिंग कामयाब ही रही। सरकार इसे अपनी एक बड़ी कामयाबी मान रही है। सारी बातें सही हैं, लेकिन अगर आपकी नजरों से सैटेलाइट को छोड़े जाने की खबर को देखें तो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है, G-SAT-18 सैटेलाइट हमारी डे टू डे लाइफ में किस तरह से मददगार साबित होगा, हमारा इसमें क्या फायदा होगा। हम आपके फायदे से जुड़ी हर बात आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि G-SAT-18 सैटेलाइट आखिर है क्या और इसकी क्षमता क्या है। सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि G-SAT-18 सैटेलाइट की तकनीकी विशेषताएं क्या है। हम आपको बताते हैं, G-SAT-18 पूरी तरह से भारत में बना हुआ सैटेलाइट है। G-SAT-18 एक टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने तैयार किया है G-SAT-18 को। G-SAT-18 का वजन आपको बता दें कि 3,404 किलोग्राम है। G-SAT-18 भारत को 15 साल तक अपनी सेवाएं देगा। G-SAT-18 में 48 संचार ट्रांसपोंडर लगाए गए हैं। इसरो अब तक 33 कम्युनिकेशन सैटेलाइट तैयार कर चुका है। पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट 10 अप्रैल 1982 में लॉन्च किया गया था। आप घर पर बैठे टीवी पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं और अचानक प्रोग्राम बंद हो जाता है, स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। आपके टीवी स्क्रीन पर एक संदेश आता है कि मौसम खराब होने की वजह से असुविधा के लिए खेद है। भारत सरकार ने टीवी में ब्लैकआउट का परमानेंट इलाज कर दिया है। भारत ने लेटेस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट G-SAT-18 की लॉन्चिंग में कामयाबी हासिल की है। इसे फ्रेंच गुयाना के कोरू स्पेस पोर्ट से रॉकेट एरियन 5 के जरिए छोड़ा गया और दुनिया ने हिंदुस्तान का दम एक बार फिर देख लिया। इस कामयाबी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो को बधाई दी है। G-SAT-18 बुधवार को ही छोड़ा जाना था, लेकिन दक्षिण अमेरिका में मौजूद फ्रेंच टेरिटरी कोरू में मौसम खराब था, लिहाजा इसकी लॉन्चिंग 24 घंटे टाल दी गई थी। बुधवार देर रात 2 बजे मौसम साफ होते ही इसे लॉन्च कर दिया गया और G-SAT-18 लॉन्चिंग के 32 मिनट बाद तय ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया। G-SAT-18 को इसरो ने तैयार किया है। आपको आगे बताएंगे कि इसमें लेटेस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट G-SAT-18 आपके मोबाइल और टीवी नेटवर्क को कैसे बेहतर बनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि फिलहाल इसरो के 14 सैटेलाइट देश के टेलीकम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के काम में लगे हैं। G-SAT-18 इस मकसद को और मजबूती देगा। G-SAT-18 की लॉन्चिंग में थोड़ी परेशानी भी हुई, वजह इसका वजन है, 3,404 किलोग्राम, जो काफी ज्यादा था। उसका वजन इतना है कि हमारे पास इतने रॉकेट नहीं है कि हम भारत से उड़ा सकें, इसलिए हमने आर्यन की मदद ली है और आज वो ऑर्बिट में घूम रहा है। कुछ दिनों में वो अपनी अपना जो ठहराविक स्थान है वहाँ पहुँच जाएगा और फिर भारत की कम्युनिकेशन के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। लिहाजा इसे लॉन्च करने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी की मदद ली गई। यूरोपियन स्पेस एजेंसी से लॉन्च किया गया इसरो का ये 20वां सैटेलाइट है। यह अंतरिक्ष में भारत की नई उड़ान है। G-SAT-18 सैटेलाइट से टेलीविजन, टेलीफोन, रेडियो, इंटरनेट के क्षेत्र में क्रांति साबित होगी। आपको जो कम्युनिकेशन चैनल है, टेलीविजन चैनल है, टेलीफोन चैनल है, वो उन सब में आपको ज़्यादा फैसिलिटीज मिलेगी, ज़्यादा आसानी से आप बात कर पाएंगे। जो कम्युनिकेशन होता है लॉन्ग टर्म, आज इंटरनेट आप यूज़ करते हैं जो कि थोड़ा सा स्लो होता है, उसमें स्पीड बढ़ जाएगी। G-SAT-18 सैटेलाइट की उम्र 15 साल है, यानी भारत को G-SAT-18 15 साल तक टेलीकम्युनिकेशन सर्विस देगा। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। हमारे देश में 70% लोग दूर दराज के गांव में निवास करते हैं, जहां पर टेलीविजन और इंटरनेट नामुमकिन नहीं है लेकिन परेशान करने वाला है। आज G-SAT-18 सैटेलाइट लॉन्च हुआ
कल हुआ था ये लॉन्च और इसका सीधा फायदा आसमान से आपके घर तक पहुंचने वाला है। जी मीडिया संवाददाता नित्यानंद शर्मा ने मुंबई में सैटेलाइट एक्सपर्ट प्रोफेसर मयंक वाहिया से आपके फायदे की बात की है। मयंक वाहिया मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के प्रोफेसर हैं। आपको, घर संभाल रही महिलाओं को, वर्किंग प्रोफेशनल को, एक किसान को और भारत के सभी नागरिकों को किस तरह से और क्या फायदा होगा, आप सुनिए। होम मेकर को तो खैर टेलीविजन चैनल में रिसेप्शन अच्छी आएगी, आपका टेलीफोन अच्छा चलेगा, आपका जो कम इंटरनेट वगैरह आप अगर यूज करते हैं तो वो अच्छा चलेगा। प्रोफेशनल्स को तो बहुत फायदा होने वाला है इससे, क्योंकि वो जो कम्युनिकेशन है, जो कि अगर आप सरकार से इंटरनेट लाइन लेके अगर आप अपने दो कंपनी के बीच में कम्युनिकेशन रखते हैं या आपकी डेडिकेटेड इंटरनेट लाइन है, उन सबों के लिए ये काम में आएगा, क्योंकि वो बहुत एफिशिएंटली और ज़्यादा फैसिलिटीज़ होगी तो ज़्यादा लोग, ज़्यादा कंपनियाँ, ज़्यादा फैक्ट्रीज अपने कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। वो रियल टाइम में अगर उनकी फैक्ट्री कहीं दूर हो तो इंजीनियर को दिखा सकेंगे, प्लस अगर उनकी शिपिंग वगैरह हो तो उनकी शिप्स को ट्रैक करने के लिए या वगैरह में बहुत काम आए। सिटीजन को तो खैर कम्युनिकेशन तो आजकल जिंदगी में सब कुछ कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन की इतनी ज़रूरत पड़ती है कि हम इंटरनेट के, अब आजकल स्टेशन और एयरपोर्ट पे तो फ्री इंटरनेट लेते ही हैं, स्टेशनों पे फ्री इंटरनेट देने लगे हैं, तो कम्युनिकेशन अब जिंदगी का हमारा भाग हो गया है। हम हर चीज़ पे हम अपने टेलीफोन को पूछ लेते हैं कि कहीं होटल कहाँ है से, कि कौन सी फ्लाइट टाइम पे जा रही है या क्या हो रहा है, तो उसकी जो स्पीड है कम्युनिकेशन की जो स्पीड है, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, वो सब उन सभी चीज़ों के लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। एक किसान को बहुत फायदे होने, एक तो अर्ली वार्निंग का फायदा है, जैसे कि उनको पता चलेगा बरसात कब आने वाली है, साइक्लोन का मामला है या नहीं, इस साल बरसात कैसी रहेगी, कब अच्छी बरसात होगी, कब फसल अच्छी होगी, इस बार फसल में किसी तरह से जीवाणुओं का प्रॉब्लम है या नहीं है, या कहीं किसी पेड़ पौधे पे रोग लगे हुए हैं, वो सब ये सैटेलाइट से आप देख सकते हैं। तो जी सर, सैटेलाइट जो खेती है मजदूर हैं उनके लिए तो बहुत काम की चीज़ है।